देखिए, मैंने मिंट का रायता बना के तैयार किया है। रश्मि खजाना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, और कैसे बनाना है उसका प्रोसेस मैं आगे आपको दिखाती हूँ। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्र रश्मि खजाना में पुदीने धनिए का रायता बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो आपका जैसे और कुछ नहीं है, आपके पास बूंदी नहीं है, खीरा नहीं, तो आप मिंट और धनिया का रायता बना सकती हैं। तो मिंट में मतलब पुदीना मेरे घर में ही लगे हुए, तो उसको मैंने थोड़ा सा ले लिया है। उसमें हरा धनिया और एक हरी मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन भी अच्छा लगता है। और नहीं हो हरी मिर्च डालना तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्च को इसमें पीस लिया है और ये पेस्ट बना लिया है पुदीना धनिया और हरी मिर्च का। और ये भुना जीरा, ये काला नमक और ये सादा नमक, बस इन्हीं चीज़ों को अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। तो मैंने देखिए इसमें ये मिला दिया है पुदीना, ये देखिए पुदीना को हम ऐसे इसमें अंदर मिला देंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा ये काला नमक, क्योंकि काला नमक के बिना तो कोई रायता अच्छा नहीं लगता है। और ज़रा सा सादा नमक, बस जितना आपको खाना है उस हिसाब से टेस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से बनाइए, और फटाफट ये रायता बनके तैयार हो जाता है। और ये आपको कैसा लगा, ये मेरा रायता बनके तैयार हो गया, कैसा लगा? बहुत से लोग इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, उनको चीनी का टेस्ट पसंद आता है, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं डाला है, मुझे ऐसे ही रायता अच्छा लगता। फ्रेश दही लीजिए, उसमें पुदीना धनिया पीसिए, और यही काला नमक, भुना जीरा और सादा नमक मिलाइए, आपका रायता तैयार है, रिफ्रेशिंग एकदम। आपको कैसा लगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रायता कैसा लगा। ये मिनटों में बन जाता है, फटाफट बन जाता है। ये देखिए मेरा रायता बन गया है, उसको मैंने पुदीने के पत्ती से गार्निश किया है। इसी तरह से आप भी सर्व कीजिए, खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। बहुत ही लाजवाब मिंट और धनिया का, मिंट एंड कोरिएंडर रायता, देखिए कितना बढ़िया हमारा रायता बन के तैयार है। उसको मिंट की पत्ती से मैंने गार्निश किया है, कोरिएंडर मिंट रायता, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।